अगर आपको कराची में इंडियन स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो पहुंच जाएं कविता दीदी के फूड कार्ट पर। जी हाँ, ये हैं कविता दीदी और इनकी फैमिली, जो कैंट स्टेशन के नजदीक पूरी फैमिली मिलकर अपना ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का स्टॉल रन कर रही हैं, जहां आपको मुंबई का फेमस वड़ा पाव भी मिलेगा और इनकी स्पेशलिटी है दाल के समोसे। इसके अलावा बारबेक्यू, लिमका, फ्राइज, तवा कलेजी, ये सब भी मिलेंगी भाई। अभी तक जितने भी वड़ा पाव खाए ना, ये उन सब से डिफरेंट है। उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यही शायद असल वड़ा पाव यही होगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा मिक्सचर करके जो है चीजें बना दी जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग आलू के समोसे मांगते हैं, आलू के समोसे, मगर मेरे यहाँ स्पेशल ये है कि हम दाल समोसा देते हैं जो होम मेड टोटली होते हैं, वेजिटेरियन। बस यही सोचती कि मैं फूडी हूँ थोड़ा, बाहर रोज खाने हम लोग जाते थे, तो मैं चलो अपना ही कुछ खाने का स्टॉल लगा ले। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट स्टेशन के नजदीक और लोकेशन में आपको आगे सब जा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ भाई, यहाँ पर एक बकायदा पूरी फैमिली है जो पूरा फूड कार्ट चला रही है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा आए तो भाई यहाँ पर बन रही है तवा कलेजी। थोड़ा सा अगर और आगे आ जाए तो यहीं पर ही सीख बोटियां वगैरह भी बनती है, तवा कलेजी बनती है, और यहाँ पर जो है पाव भाजी वगैरह मिलती है। तो क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये बताएं आपको क्या कहते हैं सब? कविता वैसे तो नाम है यहाँ पे, दीदी दीदी दीदी, हम भी आपको दीदी बोले ना फिर। हाँ, कैसे तो छह से तो लग रहे हो। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कब का स्टार्टअप कब किया और कितना टाइम हो गया, क्या क्या चीजें मिलती है आपके पास? तकरीबन स्टार्टअप को 8 महीने हो गए हैं। ठीक है ना, बस यही सोचती कि मैं फूडी हूँ थोड़ा, बाहर रोज खाने हम लोग जाते थे, तो मैं चलो अपना ही कुछ खाने का स्टॉल लगा ले, खाते भी जाए और पैसे भी कमाते जाए, मतलब कहीं और जाने की जरूरत ना मिले और सारी चीजें इन हाउस ही मिल जाए, इन हाउस ही मिल जाए। तो जैसे आपने ये बात बोली तो उस तरह के सारे आइटम्स मिल जाएंगे आपके पास? क्या क्या आइटम मिल जाएंगे? एग्जैक्टली, अगर आप देखें मेरा मेन्यू तो यहाँ पे बारबेक्यू में आपको कलेजी मिल जाएगी, पोटा है, विंग्स है, बोटी है, तवा कलेजी है, सी फूड में प्रॉन्स है, ठीक है, बारबेक्यू। बाकी वेज में अगर आप जाओगे तो वड़ा पाव है हमारा जो ज्यादा चलता है, और आप कह सकते हैं वेज रोल है, दाल समोसा है, पाव भाजी है। अच्छा, पाव भाजी। गर्मी के हिसाब से हमने सोडे का सेटअप किया है। अच्छा, सोडा वगैरह भी मिलता है आपके पास? तो ये बताएं कि पाव भाजी, वैसे पाव भाजी हम लोगों ने कराची में बहुत जगह पर और भी खाई हुई है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये आइटम आता है तो बेसिकली सही ऑथेंटिक पाव भाजी मिलेगी आपके पास फिर? उससे मैच कह सकते हैं, क्योंकि पाव भाजी ज्यादा अगर ऑथेंटिक आपको खानी है तो फिर आपको मुंबई की वीजा लगानी पड़ेगी। लेकिन मुंबई में छोटी सी पड़ जाएगी, मुंबई की छोटी सी ब्रांच तो खुल गई ना यहाँ पर। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों को पसंद आ रही है। क्लोज हो सकता है, क्लोज इनफ हो सकती है। तो कौन कौन होता है यहाँ पर आपके साथ, कौन कौन स्टॉल में? मेरे साथ मेरी मम्मा होती है और मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, ये भी मेरे साथ हेल्प करा रहा होता है, ये जीशान है हमारे, ये पूरे रमजान में मुझे हेल्प कर रहा था क्योंकि रश बहुत होती थी। हम पकोड़ों का भी सेटअप हमने किया हुआ था। अच्छा, रमजानों वगैरह में भी सारा आप लोगों ने टाइम, पूरा टाइम दिया है यहाँ पर, ठीक है। और सेट अभी आपके सेटअप को कितना टाइम हो गया माशाल्लाह यहाँ पर? तकरीबन मुझे 8 से 9 महीने हो गए। 8 से 9 महीने हो गए। पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा है, जो लोग आते जाते हैं, जो ट्राई करके जाते हैं, उनका फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक भी अच्छा है। थोड़ा आप अपना अगर 360 कैमरा घुमाएंगे तो आपको रश खुद पता चल जाएगी यहाँ पे क्या रश है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये पूरी गली है आप देख सकते हैं भाई, माशाल्लाह इसमें यहाँ लोग ही लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो रिटर्न कस्टमर, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है रिटर्न कस्टमर आ रहे हैं जो खा कर जा रहे हैं मेरे पास, रिटर्न समझ ले रोज ही है, जो आज खा के फर्स्ट टाइम जाएगा वो कल दोबारा लाजमी आएगा। अच्छा, डेली वाले मतलब? हाँ, एक जाएगा वो दो लाएगा, दो जाएगा तो वो चार लेके आएगा। हाँ, मतलब और लोगों को बताते जाते हैं सब लोग जाके। ठीक है, तो ये बताएं क्या चीजें जो हमें ट्राई करनी चाहिए आपकी, जो हम ट्राई करें? और आपको हम ट्राई करवाएंगे पाव भाजी और उसके साथ वेज रोल, दाल समोसा और निमका कराते हैं। दाल समोसा, दाल समोसा का क्या सीन है? दाल समोसा कैसा मतलब? दाल समोसा अगर आपको हम दिखा देते आप, नहीं वैसे ही बता दें, हम खा के बता देंगे। यहाँ पे हर कोई आलू के समोसे खाता है। हाँ, 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 नॉर्मली दाल समोसा बहुत कम जगहों पे आपको मिलते हैं और बहुत कम जगह पे घर के बने हुए होते हैं, तो ये हमारे मम्मी स्पेशल है। अच्छा, मम्मी स्पेशल है? जी, मेरी मम्मा इसको बनाती है खुद, मसाले वगैरह सब हमारे होममेड होते हैं। अच्छा, सारे मसाले होममेड होते हैं आपके? जबर। तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और देखिए भाई, बहुत सारे आइटम कविता दीदी ने जो है भाई यहाँ पर दे दिए हैं। और भाई देखिए, यहाँ पर है तवा कलेजी, प्रॉन्स हैं, कुछ सीख बोटियां हैं, साथ में पाव है। हाँ, और तुम कौन हो भाई, तुम तो बता दो भाई। ये हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है, क्या नाम, क्या तुम्हारा? मेरा नाम था मोहम्मद जुबैर। नाम था
नाम था मतलब नाम अभी भी वही है, अभी भी वही है। नाम जुबैर ही है और जुबैर ही हमें यहाँ पर लेकर आया है। और जुबैर जो है डिस्कवर सिटी चैनल नाम है भाई इसका, और ये भी माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सीन ये है कि भाई अब ये जरा चीजें ट्राई करते हैं। जुबैर देखो भाई ये हमारे पास आ रही है भाई तवा कलेजी, तो सबसे पहले तो ये ट्राई कर लें भाई। ये देखें भाई तवा कलेजी, तवा कलेजी बिल्कुल अलग अंदाज की, जैसे कराची में होती है ना भाई, जैसे ये थोड़े से छोटे छोटे पीसेस हैं। नींबू नहीं डाल ले हैं, अबे नींबू डालते पहले तवा कलेजी तो ट्राई तो करें ना। है कैसी, सादी कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे मेरे ख्याल चिकन की कलेजी है ये, लेकिन यार जायका बहुत अच्छा है। जायका अच्छा है चिकन की कलेजी। आइटम बहुत सारे हैं भाई, ये देखें भाई प्रॉन्स भी इन्होंने रखे हुए हैं भाई। छोटा सेटअप लेकिन तकरीबन सारी चीज़ें, अच्छे खासे आइटम माशाल्लाह इन्होंने रखे हुए हैं भाई। ये देखो ये प्रॉन्स भाई, तुम भी ट्राई करो जरा साथ में। तुम लीमू डाल के खाओ, तुम्हें लीमू डालने का शौक है? नहीं पहले वाले में मजा आ गया था। पहले वाले में मजा आया, अच्छा खारेदार हो गया वो ना। मजा नहीं आया तो फिर कराची वाले नहीं खिलाएंगे ना। हाँ ये बात तो सही बात है, फिर मसालेदार, मतलब जो मसालों का जो ख्याल कहते हैं ना भाई कराची वालों के टेस्ट के साथ, मतलब है इंडियन स्टाइल, लेकिन ये कि भाई मसाले जो है ना कराची वाला, पूरा कराची वाला जायका भाई माशाल्लाह। अच्छा भाई वड़ा पाव, इन्होंने बोला था कि भाई वड़ा पाव आप हमारा जरा खाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि असल वड़ा पाव होता है क्या। वैसे मैं इस बात से अग्री करता हूँ और मुझे लगता है कि वड़ा पाव अच्छा होगा भाई, क्योंकि भाई कराची में वड़ा पाव बड़े अलग अलग अंदाज के मिलते हैं। तो ये देखें भाई जरा, हाँ ये जरा थोड़ा सा आप करीब अगर ला के दिखाएं, तो ये है भाई इनका वड़ा पाव। तो ये लगा लिया भाई, चलो जी बिस्मिल्लाह करो, आप भी खाओ हम भी खाते हैं। भाई वाकई मैंने अभी तक जितने भी वड़ा पाव खाए ना, ये उन सब से डिफरेंट है। उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यही शायद असल वड़ा पाव यही होगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा मिक्सचर करके जो है चीज़ें बना दी जाती हैं। तो भाई आइटम बहुत सारे हैं और साथ में भाई फ्राइज रखे हुए हैं, रोल रखे हुए हैं और दाल समोसा भी इनके पास, दाल समोसा भी है। दाल समोसा चले भाई आप ट्राई करो, दाल समोसा आप ट्राई करो और बताओ दाल समोसा कैसा है। क्योंकि भाई इनकी मैंने अभी तीन चीज़ें ट्राई की हैं, तीनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और ये है कि मज़ा आया। दाल समोसे में कुछ है रहमान भाई, जो कुछ है अभी क्या कह रहे हो आप ट्राई करें। क्या है भाई, ऐसा क्या है भाई दाल समोसे में? लड़का कह रहा है दाल समोसे में कुछ है, चटनी के साथ खाए उसमें असल मज़ा है, ऐसे खाएंगे मज़ा नहीं पाएंगे। नहीं सादा भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये देखिए अभी यार वाकई सही बोल रहे हैं। दाल समोसे में कुछ है यार, ये इनका आइटम सबसे अच्छा है। बाकी मैं मिस करने वाला था, अगर ये मुझे बोलता नहीं ना तो मैं वाकई मिस करने वाला था। चीज़ें माशाल्लाह भाई सारी अच्छी हैं। लोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको गूगल लोकेशन यहाँ की दे दूंगा। ऐसे कैंट स्टेशन की बिल्कुल बैक साइड वाली गली में वन आई बिल्डिंग है, ब्लूम रेजिडेंसी है, उसके सामने ये स्टॉल लगा रहे हैं। गूगल लोकेशन से आपको आने में आसानी होगी, तो आएँ और लाजमी ट्राई करें। मुनासिब कीमतों पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।